पिक्चर अभी बाकी है। इसे मेरा आत्मविश्वास कहो या कहो कि ये मेरी बेबाकी है। राइटर साहब की कहानी की चर्चा फिर से मोहल्ले में एक ऊर्जा ला देगी। विभिन्न प्रकार के किरदारों की जुबानी फिर से युवाओं पर छाप छोड़ जाएगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि फिर से हमें रेकी पे निकलना है, फिर से कोई नई कहानी रचने के लिए एक बच्चे सा मचलना है। प्रोड्यूसर की आंखों में फिर एक सपना घर करेगा। विश्वास और साहस का परचम थिएटर घरों में फहरेगा। फिर से तैयार होके हम सेट पे जाएंगे, फिर से नई कहानियां उस पर्दे पे सजाएंगे। फिर से एक नया जोश होगा और ये जीवन यापन खाना बदोश होगा। स्पॉट दादा की वो कड़क चाय फिर से आंखें खोल देगी। वो डायरेक्टर के चेहरे की खुशी सब कुछ बोल देगी। डीओपी दादा फिर धूप में खड़े होकर लाइट जाने के डर में रहेंगे। पिक्चर बनाने के जुनून में हर मौसम की मार सहेंगे। एक्टर्स की लाजवाब अदाकारी फिर से सबके दिल को छू जाएगी। उनके रूहानी चेहरे देख सबको अपनी कहानी याद आएगी। असिस्टेंट्स की भागादौड़ी फिर से नजर आएगी। उनकी तरह तरह की जिम्मेदारियां फिर से तारीफ काबिल कहलाएगी। मेकअप टीम फिर से अपने हाथों में ब्रश पकड़ेंगी, उस सुंदरता को और तराशेंगी जिससे हर दर्शक के दिल की धड़कनें जोर जोर से धड़केंगी। कॉस्ट्यूम डिजाइनर फिर से लिबाजों का चयन करेंगे। उस रंगीन शाम में फिर से नए रंग घोलेंगे। डायरेक्टर साहब की एक्टर से गुफ्तगू फिर उनकी अदाकारी में रंग लाएगी। पिक्चर की रिलीज से पहले ही मन में एक गुदगुदी सी लाएगी। लोकल अथॉरिटी से शूट करने की मिलेगी परमिशन। कैमरा रेडी, रोल साउंड, बैकग्राउंड, टेक टू, सीन थ्री एंड एक्शन। तकनीकी खराबी होने के कारण फिर से शूटिंग में देरी आएगी। पैकअप समय पे होने पे फिर से जान में जान आएगी। तो दोस्तों, अभी हमें बहुत जान बाकी है। सिनेमा की असली सीमा की परीक्षा अभी बाकी है। बस कुछ दिन अपनी कला को और संभाल के रखो, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है।